बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आज 14 जून 2021, 4 ज़िलकअ्दा 1442 हिजरी और दिन मंगलवार का है। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कश्मीर न्यूज़ डेस्क और मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान। आपके सामने बेशतर मकामी अखबारों की सुर्खियां लेकर हाजिर खिदमत पेश करते हैं आज की सुर्खियां। कोविड-19 से 599 मुतासिर, 9 फोत, 70 रोज बाद तैदाद 600 से कम, 50 रोज बाद अमवाद 10 से नीचे रिकॉर्ड। बंदिशों में नरमी के बाद 8 अजला में मामूल की सरगर्मियां बहाल, 12 में बदस्तूर नाफिज। तरंदाजी सिफर तक पहुंच गई, वादी को जंगजुओं से पाक करार दिया जाएगा, जनरल निरवाने। कफारा सब जेल में बंद कैदी कोविड-19 की वजह से लुकमय अजल। बस्तियों में रीचों और तेंदुओं की मौजूदगी बढ़ गई, महकमा वाइल्ड लाइफ के लिए चैलेंज, वादी में 22 कंट्रोल रूम कायम। अनंतनाग में फायरिंग, जंगजुओं का गश्ती पार्टी पर हमला। अमरनाथ यात्रा 2021, बालतल में इंतजाम का जायजा लिया गया। आलमी बैंक की तरफ से जम्मू कश्मीर के लिए इमदाद, शोबे सेहत की बेहतरी के लिए 367 करोड़ देने का ऐलान। लद्दाख में पेट्रोल 101 रुपया फी लीटर। निजी अस्पतालों और क्लिनिकों की मनमानियां, मुआयना फीस तय करने के लिए कमेटी तश्कील। कंगन और कुलन में अस्पताल की इमारतें 10 बरसों से तशने तकमील, 35 करोड़ से जायद रुपए खर्च, लोग मुश्किलात का शिकार। जकूरा सनाती इलाके में आग, 2 मंजिला इमारत खाकिस्तर। नेशनल कॉन्फ्रेंस की बारामूला आतिश जदगान में इमदाद तकसीम। इसी के साथ आज की सुर्खियां अपने इख्तिताम को पहुंचती है। दीजिए अपने मेज़बान हयात उबैद को इजाज़त, इसी वादे के साथ कि कल फिर मुलाकात होगी आप सबके साथ इसी वक्त पर। जब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।